Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel IT Creators. तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा 5 amazing new technology robotic gadgets या devices जिसको हाल ही में invention किया गया है, जिसमें आपको मिलेगा artificial intelligent and unique features. तो ये सभी robotic gadgets के बारे में और भी details में जानने के लिए so guys, let's start this video. और IT Creators YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, आगे ऐसे गैजेट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। नंबर 5, सोनी आइबो रोबोट डॉग। दुनिया में इतना सारा एनिमल्स के अंदर से डॉग ऐसा एक एनिमल है जिसको पेट बनाना हम सभी को बहुत ही पसंद है। तो आजकल का एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाने में आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट पेट डॉग जो कुछ इस तरीके से आपके साथ खेल सकता है। तो गाइस, ये क्यूट सा रोबोटिक डॉग का नाम है सोनी आइबो, जिसका प्राइस है $2,899, जो इंडियन मनी में होता है लगभग 2,70,000 रुपीस। एंड ये सोनी का आइबो रोबोटिक डॉग आपको सच में क्यूट लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपका दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नंबर 4, फेस्टो बायोनिक बैट। रात के अंधेरे में बिना देखे शिकार करने वाला पक्षी का नाम है चमगादड़। तो आज का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग बायोनिक यानी रोबोटिक बैट जिसको हुबहू कॉपी करा गया है एक रियल चमगादड़ की तरह। तो ये बायोनिक बैट को बनाया है फेस्टो नाम का एक रोबोटिक इंस्टीट्यूट का कुछ स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट का बैच एक रियल चमगादड़ का हर एक मूवमेंट को स्टडी करके इस बायोनिक बैट को बना पाया है। तो ये बायोनिक बैट का टू विंग्स का साइज है 228 सेमी एंड बॉडी का लेंथ है 87 सेमी। और ये रोबोटिक चमगादड़ के अंदर यूज करा गया है 2 ब्रशलेस मोटर, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स एंड एक रिचार्जेबल बैटरी, जो बैटरी को 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके ये रोबोटिक बैट को मिनिमम 15 मिनट तक उड़ा सकते हो। नंबर 3, बायोनिक स्पाइडर। जंगल में या हमारा घर का आसपास गार्डन में जाल बना के शिकार करने वाला इंसेक्ट का नाम है स्पाइडर, जिसको करीब से देखने में मूवीज में दिखाने वाला एलियंस की तरह लगता है। तो आज का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग रोबोटिक स्पाइडर जिसको हुबहू कॉपी करा गया है एक डेजर्ट स्पाइडर की तरह। So guys, introducing Bionic Robotic Spider, जिसका original नाम है Bionic Wheelbot, and ये Bionic Wheelbot को यानी Robotic Spider को बनाया गया है Flick Flack नाम का एक Desert Spider का हर एक movement को copy करके। तो ये Flick Flack Spider normal spider की तरह ही है, but ये spider थोड़ा जल्दी शिकार करने के लिए इसका legs को roundly fold करके बहुत ही fastly दौड़ सकता है। तो इसी concept को reality में convert करके ये Bionic Spider को बनाया गया है। And ये Robotic Spider के अंदर यूज करा गया है 4 ब्रशलेस मोटर, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स एंड 8 लेग्स, जिसको आपका स्मार्टफोन से इजीली ऑपरेट कर पाओगे। नंबर 2, इमोशन बटरफ्लाईज। जैसे कि हम सभी तो जानते ही हैं, हमारा दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसेक्ट बटरफ्लाई है। तो आज का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग बायोनिक बटरफ्लाई जिसको आप रिमोट कंट्रोल एंड स्मार्टफोन के बिना ही उड़ा सकते हो। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग फेस्टो इमोशन बटरफ्लाई। तो ये बायोनिक बटरफ्लाई को उड़ने लायक बनाने के लिए इसका डिजाइन को ऐसे लाइट वेट करा गया है, जिसके वजह से ये बायोनिक बटरफ्लाई का टोटल वेट है 35 ग्राम। एंड इस बटरफ्लाई के अंदर यूज करा गया है नैनो ब्रशलेस मोटर, एक ट्रांसमीटर एंड एक रिचार्जेबल बैटरी, जो बैटरी को 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके ये बायोनिक बटरफ्लाई को 7 मिनट तक कंटिन्यूअस उड़ा सकता है। और ये बटरफ्लाईज को स्टेबल उड़ाने के लिए इस रूम के अंदर यूज करा गया है 10 इंफ्रारेड कैमरा एंड एक सेंट्रल मास्टर कंप्यूटर, जिसके वजह से इस बटरफ्लाईज को एक दूसरे से क्रैश करे बिना ही उड़ाना पॉसिबल है। नंबर 1, RC रोबोट बर्ड।
गाइस इंट्रोड्यूसिंग आरसी रोबर्ट जो गारुद नाम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज इंडियन बॉलीवुड मूवी उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाया गया था ऐसा एक बायोनिक रोबोटिक बर्ड जिसको यूज करके इंडियन आर्मी एनिमी का पता लगाया था। तो आज का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा उड़ी मूवी में दिखाने वाला ओरिजिनल गारुद यानी रोबर्ट को जिसको आप ओरिजिनली आसमान में उड़ा सकते हो। तो ये रोबर्ट के अंदर यूज कराया गया है एक ब्रशलेस मोटर एक ट्रांसमीटर एंड एक रिचार्जेबल बैटरी जो बैटरी को 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके ये रोबोट को अप टू 35 मिनट तक कंटीन्यूअस उड़ाना पॉसिबल है। और ये रोबोट यानी डुप्लीकेट ईगल बर्ड को स्पेशली बनाया गया था एयरपोर्ट से बाकी बर्ड्स को भगाने के लिए बिकॉज प्लेन टेक ऑफ एंड लैंडिंग के वक्त उड़ते हुए बर्ड्स प्लेन का पॉपलर में घुस जाता है जिसके वजह से प्लेन क्रैश करने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए ही ये रोबोट को बनाया गया था। सो गाइज ये अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है एंड मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे डैसिंग लगा और भी ये वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करके अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। तो स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके आईटी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड स्क्रीन का ए टू वीडियोस को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड टाटा टेक केयर।